चलो दोस्तों, आइए दोस्तों, हम आपको आज एक नया टेक्निक सिखाएंगे। और टेक्निक क्या है उसको हम बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको हमारे YouTube चैनल केशव मैकेनिकल में स्वागत करते हैं। और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम चले आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, बी ए सिक्स है, एच एफ डीलक्स है। ए बी ए सिक्स में इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि फ्यूल पंप बार बार ख़राब हो रहा है। तो कस्टमर बोला है कि इसमें हम लोग को कार्बेटर डालना है। तो कार्बेटर कैसे डालना है, कैसे फिट करना है, इसमें तेल ऑन ऑफ का पेट्रोल टी लगाना है तो कैसे लगाना है, वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर, हम आपको दिखा देते हैं, आप ये मीटर देख सकते हैं। मीटर से स्पष्ट आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे चेक लाइट है। तो चेक लाइट है, ये है बी एस सिक्स। हम इसको गाड़ी की स्टार्ट भी करके दिखा देते हैं। गाड़ी स्टार्ट भी है। इसमें हम आपको फ्यूल पंप को हटा के छोटा बॉडी को इसमें हम कार्बोरेटर इंजेक्ट करके आपको दिखाएंगे। तो चलो आइए खोलते हैं इस गाड़ी को और आगे बढ़ते हैं। पैनल सीट खोल लेते हैं। सीट खोल लेते हैं। पैनल खोलने के बाद उसके बाद आगे बढ़ के यूनिटी बॉक्स खोल देते हैं। उसके बाद टैंकी खोल लेते हैं। तो टैंकी निकालने के लिए एक पेट्रोल मशीन वाला कपलर खोल लेंगे, ये वाला पेट्रोल पाइप निकाल लेंगे, यहाँ से फिर फ्यूल पंप वाला कपलर निकाल लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने इसका टैंकी खोल लिया है। तो टैंकी खोलने के बाद सबसे पहले आपको चेक करना है कि फ्यूल पंप का वायर हमने निकाला है। तो फ्यूल पंप का वायर निकालने के बाद इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने प्लग अडाप्टर निकाल लिया। प्लग अडाप्टर निकालने के बाद इसको सेल्फ मार के देखते हैं गाड़ी में करंट आ रहा है कि नहीं। करंट आ रहा है, इसका मतलब हम बिना फ्यूल पंप का भी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद हम इसका एक थ्रोटल बॉडी बाहर कर लेते हैं, जिस जगह पे हम इसको कार्बोरेटर फिट करेंगे। तो कार्बोरेटर फिट करने के लिए इसमें क्या क्या लगाना पड़ेगा ये आपको हम बताएंगे। सबसे पहले इसका थ्रोटल बॉडी बाहर कर लेते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, हम इसमें ये वाला थ्रोटल बॉडी इसको बाहर कर देते हैं ताकि हमें फिट करने में कोई दिक्कत ना आए। तो सारे कपलर यहाँ से हम खोल लेंगे। इसका जो थ्रोटल वाला मैनिफोल्ड है इसको हम बाहर करेंगे और इसके जगह कार्बोरेटर वाला मैनिफोल्ड लगाएंगे। हम ये वाला कार्बोरेटर लगा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका पार्ट नंबर देख लीजिए, ये 2000 रुपये का है। ये है फैशन प्रो डीलक्स वाला कार्बोरेटर। और इसके साथ ये वाला जो मैनी है हॉस पाइप, इसको चेंज कर रहे हैं। इसमें डाल रहे हैं स्प्लेंडर वाला, ये वाला हमने ये वाला यहाँ पे लगा दिया है स्प्लेंडर वाला। यहाँ से और यहाँ से अंदर से आप देख सकते हैं बराबर बैठ भी गया है ना, बैठ गया है। और मैनी फोल्ड में हम आपको दिखाएंगे इसमें किए क्या हैं और कैसे फिट किए हैं। तो उसके लिए हम आपको यहाँ पे एक तो सैंपल के लिए दिखा रहे हैं। इसका जो होल है ये थोड़ा सा साइड में है, और जो पुराना वाला मैनी फोल्ड है कार्बोरेटर वाला, वो थोड़ा सा छोटा है। तो हमने ये साइड साइड से होल कर लिया है, थोड़ा सा होल ये बड़ा कर लिया है दोनों बाहर की साइड से, और इसको यहाँ पे फिट कर दिए हैं। हमने इसको पुराना ही हमारे पास था तो पुराना डाल दिए हैं, नया नहीं मिल रहा था अभी, अवेलेबल नहीं था करंट में। तो और साथ एक कार्बोरेटर हम इसमें अब फिट करेंगे। तो कार्बोरेटर के लिए आपको एक ये मैनिफोल्ड लगेगा, होस पाइप लगेगा, एक कार्बोरेटर लगेगा और साथ में कार्बोरेटर गीडी जिसे कहते हैं। और इसमें चेंज करेंगे हम एसीसी केबल, जिसे एक्सीलेटर वायर कर बोलते हैं। ये वाला कार्बोरेटर का जो एसीसी केबल है, मैं वाला लगाएंगे। इसमें देख सकते हैं 125 सीसी सुपर स्प्लेंडर वाला एसीसी केबल लगेगा। तो हमने इसका एसीसी केबल निकाल लिया। निकाल के इसमें हम ये वाले एसीसी केबल लगाएंगे। एसीसी केबल लगा के आपको दिखाते हैं। तो
इसको ध्यान से लगाना है यहाँ पे, आधा तिरछा ना हो ताकि इसकी चूड़ी ख़राब ना हो। बहुत बार ध्यान नहीं देते हैं तो क्या है, यहाँ से मैनीफोल्ड लेकर चूड़ी ख़राब हो जाता है। साइड से इस तरीके से घुसाना है सीसी केबल को, फिर भी यहाँ से हम इसको ये वाला वायर यहाँ से इस प्रकार लगाना है। फिर इसको यहाँ से इसका जो सिस्टम है ये वाला यहाँ पे लग जाएगा। इसको देखना है इसका जो गड्ढा रहता है उसमें इस तरीके से बिठा देना है, तरीके से यहाँ से घुसाना है। आप देखिए यहाँ से इसको यहाँ से इस तरीके से घुसाना है वायर, ताकि हैंडल इधर उधर करते समय एक्सीलेटर बढ़े ना, इसमें यहाँ से इस प्रकार आ जाएगा। ये ऊपर की ओर रख लेना है, अब इसमें फिट करेंगे कार्बोरेटर को पीछना। सबसे पहले वाला कैप लगा देना है खींच के, इसको स्प्रिंग जो कि ऑलरेडी लग आपको नया मिल जाएगा कार्बोरेटर के साथ में, ये पीछना में तो इस प्रकार हो गया। इसको देखना है कार्बोरेटर में लगाते समय, ये वाला जो है राइट साइड लेफ्ट साइड में जाएगा ये वाला, और ये वाला राइट साइड में, तो हमें कार्बोरेटर में ध्यान से इसको इस प्रकार लगा देना है। कि हम यहाँ पे ये वाला गीडी लगा रहे थे तो गीडी से हमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, ये वाला गीडी ना निकाल लगा करके हम अलग पैकिंग लगाएंगे। और क्या प्रॉब्लम आ रहा था बताते हैं, जैसे इधर दिखाना भाई, यहाँ पे अगर गीडी लगा रहे हैं तो ये वाला जो पोर्च है फिल्टर के साइड अंदर हो जा रहा था, अंदर होने की वजह से यहाँ से एयर लीकेज होने के चांसेस हैं, तो हम गीडी निकाल दिए हैं जिससे बराबर यहाँ पर सेटअप आ जाएगा। जैसे कि हमने बताया मैंने हॉर्स पाइप जो है उसको हम स्प्लेंडर वाला नया लगाया है, तो ये वाला पैकिंग यहाँ पे लगाएंगे। कसका वाला चल रहा था, जैसे देख लो हमने एक थ्रॉटल वाल यहाँ पे रख दिया है, एक कार्बोरेटर लगा दिया है, और हमने फ्यूल पंप का वायर निकाल दिया है, यहाँ पे फ्यूल का पंप का वायर निकाल दिया, साथ ही इधर आप देख सकते हैं इंजेक्टर का वायर निकाल दिया है ना। इसमें हमने दो कनेक्शन निकाल दिया है, थ्रॉटल बॉडी तो ऑलरेडी इसमें रखना जरूरी है, क्योंकि अगर थ्रॉटल बॉडी हम बाहर करते हैं तो गाड़ी में करंट नहीं आएगा तो स्टार्ट नहीं होगी। हमने पेट्रोल इसके माध्यम से इसमें अभी कार्बोरेटर में पेट्रोल डाला, टंकी में पेट्रोल फिट करना भी बाकी है, तो हम इसमें आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देते हैं। चाबी यहाँ पर ऑन किए, चाबी ऑन करने के बाद सेल्फ मार दें, गाड़ी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एक ही सेल्फ हमें स्टार्ट हो गई है। हमने अभी फिल्टर नहीं लगाया इसलिए थोड़ा सा साउंड ख़राब है, तो फिल्टर लगा के और टंकी में पेट्रोल टी कैसे फिट कर दें ये सब हम आपको बता रहे हैं। फिल्टर वो फिर से फिट करना है, फिल्टर फिट करने के बाद उसको बाकी आपको हम कंप्लीट करके दिखाएंगे गाड़ी। हमने टंकी का काम अभी छोड़ रखा है, टंकी में थोड़ा सा लेट लगेगा। तो हमने इसको थ्रॉटल बॉडी कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, उसके लिए हमने थोड़ा सा जुगाड़ जमाया, तो जुगाड़ में हमें थोड़ा सा दिक्कत आया। तो दिक्कत क्या आया है वो बता रहे हैं, ये कि ये वाला वायर जो है ये छोटा पड़ रहा था, तो इसमें हमने काट के जो लंबा वायर कर दिया। एक तो ये चार्जर कॉइल का एक अर्थ वाला जो ग्रीन कलर का रहता है ये वाला छोटा पड़ रहा था तो लंबा कर दिया। यहाँ से हमने सबका वायरिंग अलग कर दिया, ये है आपका उसका थ्रॉटल बॉडी का, ये हो गया आपका चार्जर कॉइल का, ये हो गया आपका टेम्परेचर सेंसर का, तो हमने तीनों को अलग अलग कर दिया है। और अलग अलग करके कहाँ पे इसको थ्रॉटल बॉडी रखना है उसको हम आगे बताएंगे। तो हमने इसका टंकी देख रहे हैं, टंकी खोल लिया, टंकी खोलने के बाद इसका फ्यूल पंप खोल लिया। फ्यूल पंप में हम आपको दिखाते हैं ये वाला तीन क्लिप है ना, इसको बाहर कर लेंगे ऊपर उठाने के बाद,
इसको इस तरीके से बाहर कर लेना है। बाहर करके ये जो फ्यूल पंप का जो मोटर लगा है इसको बाहर कर देना है। इस प्रकार ये मोटर हमें नहीं लगाना है इसमें, कि जैसे आप देख पा रहे हैं। अब इसको वापस से फिर फिट कर देना है, तो ये आपका वापस लग गया है ना। तो इसको हम फिर वापस से टैंकी में लगा देंगे है ना। टैंकी लगाने के बाद फिर जैसे लगा था पार्ट्स वैसे लगा देना है। हम लोग को इसके सारे नट टाइट कर देंगे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं हम इसमें का फ्यूल पंप का मोटर निकाल दिया है। फ्यूल पंप का मोटर निकाल के इसमें कैसे पेट्रोल टी फिट किया है हम बताते हैं। अब गौर से देख सकते हो यहाँ पे पेट्रोल फ्यूल पंप में हमने एक पाइप लगाया है। पाइप लगा करके वहाँ पे एक ठो पेट्रोल टी लगाया है, और कैसे जुगाड़ जमा है ये भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे पत्ती लगा के हमने, तो ये पत्ती लगाया है और लगा के इसमें हमने पेट्रोल टी लगाया है। पेट्रोल टी किस चीज़ का है ये बताते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे जनरेटर जो रहता है जिसमें केरोसिन बाहर करने वाला पेट्रोल टी रहता है, वो वाला पेट्रोल टी हमने यहाँ पे फिट किया है। ऊपर फ्यूल पंप वाला नट में टाइट किया पत्ती, पत्ती के फिर नीचे, और तो हमने ये पेट्रोल टी इस प्रकार लगाया है। यहाँ पे एक नट टाइट कर दिए हैं जो कि पता नहीं चले करके हमने एलिंकी वाला प्लेन वाला बोल्ट लगाया है। और यहाँ से फिर ये आपका गया है कार्बोरेटर में ना, या एक कार्बोरेटर फिट हो गया। और इसमें बताते हैं इसमें आपका रिजर्व वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, इसमें ऑन और ऑफ दो ही ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, इस तरीके से ऑन हो जाएगा, ऑन ऑफ रहेगा। इसमें टैंकी को हमने कोई छेद या कोई नुकसान नहीं किया है। अब आगे गाड़ी को हम टेस्ट ड्राइव करके आपको बताएंगे कि गाड़ी का कैसे चल रही है। तो साथ ही हम आपको ये भी बता देते हैं इसका जो है थ्रोटल बॉडी, ये वाला जो थ्रोटल बॉडी हमने यहाँ पे रख दिया है, यहाँ जुगाड़ जमाया है हमने जो सरिया टाइट करने वाला वायर रहता है उसमें यहाँ पे इसको बांध दिए हैं। ये थ्रोटल बॉडी यहाँ पे इसको वापस इस प्रकार हम यहाँ पे लगा देंगे है ना। लगा के आगे वीडियो बताते हैं। ये हमारा गाड़ी हो गया कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद चलो इसको टेस्ट ड्राइव में चला के हम आपको दिखाते हैं कि कैसे चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो चलते हैं टेस्ट ड्राइव। इस प्रकार आप किसी भी गाड़ी में कार्बोरेटर लगा सकते हैं बिना झंझट का, बिना किसी हेडेक का आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना रहेगा कि यहाँ पे आपको थ्रोटल बॉडी रख देना है, ये वाला पेट्रोल टी जैसे कि मैं अभी बताया हूँ, और इस प्रकार कार्बोरेटर लगा देना है। और गाड़ी बिना किसी कच कच के स्मूथली चल रही है। हमने टेस्ट ड्राइव लिया है, टेस्ट ड्राइव में भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल 80 की स्पीड में भी चलाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस प्रकार लगाइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।